हमीरपुर जिला में सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति अभियान के तहत कोरोना बीमारी से बचाव के लिए मुहिम शुरू की है, जिसके तहत प्रचार मोबाइल वाहन के माध्यम से कोरोना बीमारी के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। कोरोना प्रचार मोबाइल वाहन को जिला उपायुक्त हरकेश मीणा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी भी मौजूद रही। कोरोना प्रचार मोबाइल वाहन जिला भर में घूमकर जन जन तक महामारी के प्रसार का काम करेगा। साथ ही अब आशा वर्कर को आइसोलेशन किट भी दी गई है, जो कोरोना पीड़ित की जांच में सहयोग करेगी। अर्चना सोनी ने बताया कि अब अनलॉक चल रहा है और लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कोरोना बीमारी से जागरूक करने के उद्देश्य से ही विशेष अभियान चलाया है, जिसके तहत गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यतः लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइजेशन करना इत्यादि बारे में जागरूक किया जाएगा। इसका मेन इशू ये है, सुरक्षा की युक्ति कोरोना से मुक्ति बेसिकली, क्योंकि जैसे जैसे अनलॉक हो गया है, पहले तो ड्यूरिंग लॉकडाउन हम बोलते थे स्टे एट होम स्टे सेफ, हमारा एक ये था घर में रहिए सुरक्षित रहिए। बट नाउ द टाइम इज चेंज्ड बिकॉज अनलॉक, हमारी ये जो जितने भी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स सारे शुरू हो रहे हैं, सारी एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, तो उसमें हम बाहर कैसे रह सकते हैं, हाउ वी कैन बी सेफ एट अदर प्लेसेस, तो उसके लिए हमने सुरक्षा के लहजे से तीन चीज़ों पर ज़्यादा स्ट्रेस दिया है और यही हमारी आईसी कैंपेन का मेन इशू भी है, मेन हमारा मकसद भी यही है, जन जन तक, घर घर तक, गांव गांव तक हमारा ये मैसेज जाना चाहिए कि जब भी बाहर निकलो मास्क पहन के निकलो, सबसे ज़रूरी है मास्क पहन के निकलो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, 2 गज की दूरी सबसे ज़रूरी, और तीसरा सबसे ज़रूरी है कि हमारे फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग, हाथ अगर हमारे साफ रहेंगे, क्योंकि इनवेरिएबली हम हाथों से अपना नाक भी टच कर रहे हैं, आंखें भी टच कर रहे हैं, मुंह भी टच कर रहे हैं, और हमारे हाथ ही एक सोर्स का, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन का सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। तो इसलिए हमारा ये इशू है कि अगर हम इन तीन चीज़ों का पालन करेंगे तो जब तक हमारे देश में या हमारे स्टेट में, जब तक हमारे पास वैक्सीन का नहीं प्रोविजन हो पाता है, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, तब तक मास्क को ही वैक्सीन समझा जाए। सीएमओ अर्चना सोनी ने बताया कि कोरोना टेस्टिंग वाले स्थान पर ही प्रचार मोबाइल वाहन के माध्यम से कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आगामी 1 सप्ताह तक मोबाइल वैन जिला में प्रचार करेगी, ताकि कोरोना महामारी पर काबू पाया जा सके। उन्होंने बताया कि आशा वर्करों को आइसोलेशन किट भी दी गई है, जिसमें मास्क, साबुन, थर्मामीटर, सैनिटाइजर, ऑक्सीमीटर भी रहेगा, ताकि आशा वर्कर ग्रामीण स्तर पर कोरोना बीमारी की रोकथाम में काम कर सके। आईसी वैन का वैन भी लॉन्च किया। उस वैन का बेसिकली पर्पस क्या है कि उस वैन के थ्रू हम जहाँ जहाँ ये वैन टेस्टिंग के लिए जाएंगी, एक तो ये हमारी वैन्स ये वाली हो गई, प्लस दूसरी वैन्स जो हमारी सैंपल टेकिंग वैन्स हैं, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर हैं, जगह जगह हमारी गाड़ियाँ मूव करती हैं, तो हम एक संदेश उस गाड़ी के थ्रू भेज रहे हैं कि आपको अगर कोई सोशल फंक्शन भी करना है तो क्या नॉर्म्स रखने चाहिए, अगर आपको किसी सोशल फंक्शन में जाना है तो कैसे जाना है, कैसे प्रिकॉशंस लेनी है, अपने वर्क प्लेस में क्या प्रिकॉशंस लेनी है, और प्रिकॉशंस यही तीन चीज़ें हैं जिनके ऊपर मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ, मास्क पहन के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और हाथ फ्रीक्वेंटली धोते रहें बनाई गई है। तो उस ढंग से उनके केयर के लिए उनको एक किट, हमने अपने जिला में एक किट का किट डिज़ाइन किया है, उसमें 4-5 जो चीज़ें ज़रूरी हैं कि क्या क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है, वो सब उसके ऊपर लिखी हुई है, और उस किट के अंदर हमने पेशेंट को देने की दवाइयाँ और मास्क, सैनिटाइज़र, इवन सोप भी डाला है, ऐसी ऐसी चीज़ें, पल्स ऑक्सीमीटर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पल्स ऑक्सीमीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर, ऐसी ऐसी चीज़ें हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं।
सीएमओ अर्चना सोनी ने बताया कि हमीरपुर में कोरोना मामले 1051 हो चुके हैं और इसमें 911 ठीक हो चुके हैं, तो आज के समय में एक्टिव मामले 132 हैं, जबकि 132 में से 116 होम आइसोलेशन में हैं। लेटेस्ट डेटा है कि 1051 केस हैं जो टोटल हमारे पास अभी तक आए हैं, उनमें से 911 केसेस ठीक हो चुके हैं। और एट प्रेजेंट अगर मैं बोलूँ हमारे पास एक्टिव केसेस हैं तो 132 केसेस हैं जो हमारे पास एक्टिव हैं। वही तो मैं पहले भी डिस्कस कर रही थी, 132 में से 116 केस जो हैं वो हमारे होम आइसोलेशन में है इस वक्त, बाकी हमारे BCCC में हैं, DCHC में हैं, या फिर हमारे DCH जो हमारे जिला के लिए नेर चौक है वहाँ हैं।